हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिनेटोकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम टाइटल सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस कहानी का पूरा फोकस जोनाथन क्रेन के नए रिक्रूट लेडी विक पे है। तो कहानी की शुरुआत लेडी विक से होती है, जो एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर कपल अपनी एनिवर्सरी की एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं और इसी वजह से लेडी विक की नजर अपनी अंगूठी पे जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि लेडी विक उन दोनों ऑफिसर का काम तमाम करके गौतम सिटी के लिए रवाना हो जाती है। और फिर हम कोरिएंडर सिस्टर्स को बैटमैन मेंशन में वापस लौटते हुए देखते हैं और कॉर्नर के पूछने पर गार लोगन उसे बताता है कि ब्लैक फायर कोरिएंडर की बहन है, जिसने उसके पिता और उसके बॉयफ्रेंड को मारा था और अब वो हमारे घर पे है। और उसके बाद ब्लैक फायर कॉर्नर से उसे वेलकम गिफ्ट देते हुए उसे साफ कर उसे चैम्बर में पहुंचाने को कहती है, जिस पर कोरी उसे समझाते हुए यही कहती है कि ये सभी लोग मेरे दोस्त हैं, ना कि मेरे नौकर हैं, और तुम्हें यहाँ पे अपने सारे काम खुद ही करने होंगे। और ब्लैक फायर को ऊपर का रास्ता दिखाने के बाद कॉर्नर और गौर लोगों से यही कहती है कि ब्लैक फायर जहाँ भी जाती है तबाही उसके साथ ही चलती है, इसीलिए तुम अपनी आँख और कान खुले रख के ही सोना। और फिर कानी 6 साल पहले जंप लेती है और फिर हम बैट सिग्नल के साथ साथ एक म्यूजियम में किसी को चोरी करते हुए देखते हैं, जहाँ पर रॉबी उसके स्वागत के लिए पहले से ही बैठा होता है। और जब वो शीशे को काट कर बेस को निकाल लेती है तो रॉबिन अपने मार्क को फेंक कर उसे यही कहता है कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है और बेस को गिरा दो, जिसके बाद रॉबिन के कहने पे वो अपने हाथ को फैलाकर उसके साथ खेलने और लड़ने लगती है। और थोड़ी मस्ती मजाक और लड़ाई करने के बाद हमें पता चलता है कि ये चोरनी कोई और नहीं बारबरा गॉर्डन है। और फिर वो दोनों बार में जाकर जाम का मजा लेते हैं और उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि बारबरा गॉर्डन कमिश्नर गॉर्डन की बेटी होने की वजह से लोग उसे बारबरा गॉर्डन नहीं कमिश्नर गॉर्डन की बेटी ही समझते हैं। और इसी चीज से उबकर वो सेलिना काइल की तरह चोरी करने लगी है और वो डिक से ये भी कहती है कि वो भी बैटमैन की तरह दुनिया से क्राइम को मिटाना चाहती है, जिस पर डिक उसे रॉबिन गर्ल बनने की सलाह देता है, जिस पर बारबरा उससे यही कहती है कि तुम लोग हमेशा ही मेरे पिता के साथ काम करते हुए रूल को फॉलो करते हो, लेकिन मैं रूल को मानने के बजाय उसे तोड़ना पसंद करती हूँ। और फिर दोनों मिलकर रूल को तोड़ते हुए बहुत सारी चोरियां करते हैं और धीरे धीरे दोस्ती उनकी प्यार में बदल जाती है। और तब हमें पता चलता है कि डिक ये सारी चीजें अपने सपने में देख रहा होता है। और फिर डिक वहाँ से उठकर अपने बेस में चला आता है, जहाँ कोरी उसकी मलहम पट्टी करते हुए उस पे गुस्सा होते हुए यही कहती है कि तुम अकेले ही जेसन टॉट को नहीं पकड़ सकते और तुम इसकी वजह से अपनी जान भी गंवा सकते थे, जिस पर डिक उससे यही कहता है कि मैं तुम लोगों की जान अब खतरे में नहीं डाल सकता, जिस पर गार लोगन उसे गुस्सा होते हुए यही कहता है कि हैंक को उन लोगों ने उड़ा दिया और डॉन हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई और जेसन पागल हो चुका है और तुम उन लोगों से अकेले भिड़ते हुए गोली खाकर आए हो। और गार इस बात को कहते हुए इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपने आप पे बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाता है और कोरी की वजह से फिर से उसका गुस्सा शांत होता है। और फिर डिक कोरी को बताकर जेसन और क्रेन को ढूंढने के लिए फिर से निकल जाता है। और इधर जब कॉर्नर किचन में कुछ बनाने के लिए ब्लैक फायर से चाकू मांगता है तो वो चाकू उठाकर उसकी तरफ फेंक देती है, जिसे कैच करते हुए कोरी उसे देख लेती है। और इधर हम जोनाथन क्रेन और जेसन टॉड को एक लेबोरेटरी में जाते हुए देखते हैं और उनकी बातचीत से हमें यही अंदाजा होता है कि जोनाथन क्रेन और जेसन टॉड के बीच अब कुछ भी अच्छा नहीं है। और फिर जोनाथन क्रेन अपने दूसरे पार्टनर को दिखाने के लिए जेसन टॉड को एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर ले आता है, जहाँ पर लेडी विक आकर सभी लोगों को काटते पीटते हुए सबका काम तमाम कर देती है। और फिर जोनाथन क्रेन और जेसन टॉड को हाय बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और फिर जोनाथन क्रेन उससे यही कहता है कि तुम एक्सपेंडेबल हो और अब बैटमैन के जाने के बाद गॉथम शहर पूरी तरह से खुला हुआ है। और वो उससे यही कहता है कि अगर तुम मेरे काम को करने के लिए तैयार नहीं हो तो मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो उस काम को कर सकते हैं। और क्रेन ये बात कहकर जेसन टॉड को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। और जब ब्लैक फायर और स्टार फायर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, तभी डिक ग्रेसन आकर ब्लैक फायर से अपनी जान पहचान करता है और फिर वो कोरी को हॉस्पिटल के कत्लेआम के बारे में बताकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। और जब वो दोनों क्राइम सीन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो बारबरा के ऑर्डर से उसे मना कर देता है। और फिर कोरी डिक ग्रेसन को एडवाइस देते हुए उससे यही कहती है कि जिस तरह से जेसन टॉड और क्रेन की टीम बड़ी हो रही है, तुम्हें उसके पास जाकर इस मसले को सुलझाना होगा। और फिर वॉल कैमरे को देखने के बाद डिक ग्रेसन बारबरा के पास पहुंच जाता है और फिर दोनों एक दूसरे की हलचल लेने के बाद एक दूसरे से पैचअप कर लेते हैं। लेकिन जोनाथन क्रेन के भाग जाने की वजह से बारबरा गॉर्डन पे इस्तीफे की तलवार भी लटक रही है। और बारबरा गॉर्डन से बातचीत करते हुए डिक को पता चलता है कि सिक्योरिटी कैमरे में छेड़छाड़ करने की वजह से वीडियो फुटेज में वीडियो तो नहीं लेकिन ऑडियो जरूर मौजूद है। और बारबरा उसे ये भी बताती है कि ऑडियो सुनने के बाद उस ऑडियो से उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिला है,
जिस पर डिक ग्रेसन उसे ओरेकल का यूज करने को कहता है और उससे ये भी कहता है कि हम ओरेकल का यूज करके वॉइस रिकॉग्निशन का यूज करके उनका पता लगा सकते हैं। जिस पर बारबरा उससे यही कहती है कि मैं उस मॉन्स्टर को फिर से यूज नहीं करना चाहती और वो उससे ये भी कहती है कि मैं तुम लोगों के खिलाफ इसीलिए रहती हूँ कि तुम लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हो। चाहे कितना भी खतरनाक कैदी क्यों ना हो, तुम लोग उसे अपने चारे के रूप में यूज करने के लिए भी उनका अपहरण करके उन्हें खुला छोड़ देते हो। जिस पर डिक ग्रेसन उससे यही कहता है कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर बारबरा उससे यही कहती है कि तुम घर जा सकते हो। और इधर इसी केस की छानबीन करते हुए स्टार फायर और कॉर्नर को एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है और वहाँ पहुँचने के बाद ब्लैक फायर और कॉर्नर को कार में छोड़कर उस फैसिलिटी के अंदर चली जाती है, जहाँ अंदर जाने पर कोरी को पता चलता है कि डॉक्टर के सीने में एक बम प्लांट किया गया है। और फिर कॉर्नर कोरी के बुलाने पर ब्लैक फायर को कार में छोड़कर उसके पास चला आता है और थोड़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद कॉर्नर उसको बचा लेता है। और जब वो वापस कार के पास आते हैं तो ब्लैक फायर वहाँ से गायब होती है, जिसकी वजह से वो ब्लैक फायर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और उन्हें यहाँ डॉक्टर बेल से ये भी पता चलता है कि क्रेन यहाँ से जो भी टेक्नोलॉजी चुरा के ले गया है उसकी वजह से वो अपने किसी भी चीज को या मशीन को और ताकतवर बना सकता है। और इधर हम गार लोगन की मदद से डिक ग्रेसन को वीडियो फुटेज का ऑडियो टेप चुराते हुए देखते हैं और हमें उनकी बातचीत से ये भी पता चलता है कि डिक ग्रेसन जेसन टार्ट को कभी मारने वाला नहीं था। और इधर बारबरा गॉर्डन को ब्रूस वेन का फोन आता है जो उसे किसी खास लोकेशन पे आने को कहता है। और इधर जेसन टार्ट उसी लेबोरेटरी में आकर बंदूक की नींव पे उनकी सारी ड्रग ले जाता है। और इधर डिक ग्रेसन उस ऑडियो ट्यूब को बैटमैन की एक टेक्नोलॉजी की वजह से लेडी वी के किलर के बारे में पता लगाने लगता है, जिसमें गार लोगन तलवार की आवाज निकालते हुए उसकी मदद करता है। और फिर कहानी हमें फिर से 6 साल पहले ले जाती है, जहाँ पे डिक ग्रेसन और बारबरा गॉर्डन फिर से एक जगह चोरी करने वाले होते हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए उस हीरो को चुराने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ पे कुछ लोग हमला कर देते हैं और ना चाहते हुए भी इस लड़ाई का उन लोगों को हिस्सा बनना पड़ता है। और जब वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तभी लेडी वीक गलती से अपने पति को मार डालती है और उसकी मौत हो जाने के बाद डिक और बारबरा गॉर्डन वहाँ से भाग जाते हैं। और ना चाहते हुए भी लेडी विक की अपने पति के साथ ये आखिरी चोरी रहती है। और फिर जब डिक ग्रेसन इस बारे में बारबरा गॉर्डन को फोन करके बताने वाला होता है तो वो उसका फोन नहीं अटेंड करती है, जिसकी वजह से बारबरा गॉर्डन लेडी विक के जाल में फंस जाती है। और फिर हम लेडी विक और बारबरा गॉर्डन में व्हील चेयर में बैठकर फाइट करते हुए देखते हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं तो लेडी विक उसका एक फोटो भी लेती है। और जब बारबरा गॉर्डन उससे लड़ते हुए दूसरी बार उसके ऊपर बंदूक तान देती है तो वो वहाँ से ब्लास्ट करके भाग जाती है। और जब स्टार फायर और कॉर्नर घर पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ब्लैक फायर पहले से ही घर में मौजूद होती है और वो उसे बताती है कि वो गौतम में घूमते हुए उस शख्स के बारे में तलाश करने गई थी जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। जिस पर स्टार फायर उससे यही कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात पे भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम हमेशा की तरह झूठ बोल रही हो। जिस पर ब्लैक फायर उससे यही कहती है कि तुम मुझ पर इसलिए गुस्सा नहीं हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम इसलिए गुस्सा हो कि मैं तुम्हारे पास फिर से वापस आ गई। और फिर डिक जेसन बारबरा से मिलने के लिए वहाँ पे आता है और जब वो उस कमरे में जाते हैं तो उनकी पुरानी यादें या बिताए हुए पल फिर से याद आ जाते हैं। पर दोनों अपने आप पे काबू रखते हुए एक दूसरे से विदा ले लेते हैं। और इधर लेडी विक जॉनथन क्रेन के पास आकर उससे यही कहती है कि बारबरा गॉर्डन व्हील चेयर पे बैठे होने के बावजूद भी अभी भी ताकतवर है। और फिर लेडी विक उसका फोटो दिखाते हुए उसे दे देती है। और इधर हम जेसन टॉड को गौथम के लोकल गुंडों को चुराया हुआ ड्रग बांटते हुए देखते हैं। और फिर वो लोकल गुंडे ड्रग लेने के बाद टिम ड्रेक के रेस्टोरेंट में हमला करते हुए उसके पिता को गोली मार देते हैं, जहां जेसन टॉड बाहर खड़े होकर ये सारी चीजें देख रहा होता है। और इस इवेंट से हमें ये भी पता चलता है कि जॉनथन क्रेन और जेसन टॉड के बीच कुछ भी अच्छा नहीं है। और फिर जेसन टॉड अपने ड्रग को लेने के बाद वहां से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए शुक्रिया।